शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो परदेश, केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। सगड़ी को साक्षी मानकर मैंने कुंवरसा के साथ साथ तेरे लिए मन वचन से उड़े अपना माना, उसी अगड़ी की कसम खाकर कहूं जिम्हारे मन में जरा भी खोट हो, जिम्हारी वजह से कुंवरसा पे कोई भी आ जाए तो जे अग्नि भारी को जलाकर राख कर दे, और जे हमारी बात में जरा भी सच्चाई है तो ये दिए की लो हमारे हमारे अंधेरे जीवन को रोशनी दे। अब अट्ठे क्या कर रही है? ओ, मासा को अपने आंसुओं से पिघलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तू जाने कि मासा का दिल तो कोमल है। और मासा आप किसकी बातों में आ गई? अरे ये धोखेबाज छोरी तो घर में हर किसी के सामने रोके गिड़गिड़ा के इस घर में जगह पाने की कोशिश कर रही है। चल, चल मारे साथ। तूने जो किया है उसके बाद थारे को इस घर में कोई स्थान ना मिलेगा। चल मारे साथ, चल। दादी साहब, दादी साहब, चल मारे साथ, दादी साहब, दादी साहब। जी को ऐसा फीका हलवा नहीं, मीठा हलवा पसंद है। अरे ये काई नहीं कहती छोरी कि थारे को मीठा हलवा ज्यादा पसंद है और जीजी का नाम ले रही है। तू रहने दे, जब रुक्मी आएगी उसी से पूछ लूंगी कि हलवा कैसे बना है। अब कठे जा रही है, जीजी की बस आने का समय हो रहा है, उनको लेने जा रही हूँ। अरे गिसु की अम्मा हो गई तैयारी पक फेरी की? हाँ हो ही गई समझो। ये लो चाबी, मारे को जरा थालू का जाना। आज ही? नाना तने आज मैं जाने ना दूंगी। अरे रुक्मी के आने पे गाना कौन गावेगा? ये रसाल है ना वो गा लेगी। अरे मारे को गाना वाना गाने का समय ना है, मारे को तो जीजी से ढेर सारी बातें करनी है। और वैसे भी गांव में आपसे सुरीला कौन गा सके, है ना माँ? हाँ तो आज तालुका वालू का मत ही जा तू। अरे रुक्मी पहली बार अपने मायके आ रही है, सब कुछ राजी खुशी हो जावे। आगे राम जी राजी। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे रणवीर मारे को एक बात, थारे को एक बार भी छोरी का चेहरा देखने का मन नहीं हुआ क्या?
मेरा मन तो उसकी आंखों में डूब गया था भाई साहब। बस यही तो तू डूब गया। तुम कलाकारों की यही बात मारे पल्ले नहीं पड़े। औरत सर से पांव तक खूबसूरत हो रहे, तारी खूबसूरती सिर्फ आंखों में हो रहे क्या? हाँ हाँ, आंखों की भाषा तो वही पढ़ पावे जो दूसरों के मन में झांकना जाने। बाकी तो औरतों की बारी खूबसूरती में फंसे रहे वे। भाई साहब, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता। रणवीर, कहते हैं कि दुख बांटने से कम हो गए। हमारा भाई दुखी और अकेला, ये हमारे से शरण नहीं होएगा। चला जा, बैठ बैठ। सारी दुखों की दवाई है। पीले पीले मन हल्का हो जाएगा। इसके नशे से सब दुख सब परेशानियां भूल जाएगा तू। पीले नहीं भाई साहब। अरे पीले, थारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। अगर इसे पीने से अकेलापन दूर हो जाए तो प्रेम की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में। पर आप क्या समझोगे इस बात? पद्मा, घूंघट में हो घूंघट में ही रहो। पास 10 मिनट का समय है। इस छोरी को तैयार करके इस हवेली की चौखट से बाहर फेंक देना। इसके लिए इस हवेली में कोई जगह ना है। और जे तू ऐसा ना कर सकी तो इसके साथ साथ अपनी गठरी पोटली भी बांध लेना। तुमने सुना नहीं ठकुराइन साहब क्या कह रही है? जल्दी से अपना सामान बांध ले। और हाँ, जाते जाते इसकी गठरी पोटली अच्छे से देख लेना। इन छोटे लोगों की नियत का कोई भरोसा ना है। कहीं इस हवेली की कोई कीमती चीज ही अपने साथ ना ले जाए। ऐसे क्या देख रही है? हाँ, थारी कीमत इस हवेली के नौकरों से भी गई गुजरी है। छोरी, अपनी जीजी को लेके ऐसे खुश हो गए जैसे भगवान मिल गए। अरे जो मिले वो भगवान से कम थोड़ी ना है। बड़ी हवेली के कुंवर शाह से ब्याह हुआ है रुप्पी का। मदन सिंह की छोरी के तो भाग ही खुल गए। सच्ची आप लोग आना ना मिलने के। आंखें काहे तरेर रही छोरी, थारी जीजी का रिश्ता इतने बड़े घर में हो गया तो थारे भी तेवर बदल गए? भाई तेवर तो बदलेंगे ही, पर मारे पास थारे जैसों के साथ बात करने की फुर्सत ना है। रानी बनकर राज कर रही है हमारी जीजी। मत दिखला। पहले अपना इलाज करा। थारे जैसों को तो हमारी जीजी की हवेली की चौखट के बाहर रखवाली करने भी ना रखे। बापू गए जीजी को लिवाने पग फेरे के लिए, बस आ रही होगी। ठाकुर साहब, आप यह जमीन पर क्यों बैठे? जमीन से जुड़े होकर आसमान की तरफ देखने की सजा है ये। ऐसा मत कहो ठाकुर साहब, चाहे जो भी हो आप इस हवेली के समधी हैं।
आपको इस तरह जमीन पर बैठना शोभा नहीं देता। जिस हवेली में मारी छोरी ने कभी भी बहू का दर्जा नहीं मिल पाएगा, वहां का मैं समझी कैसे हुआ? आप मारी बहुत इज्जत करी, धन्यवाद। मैं अटी ठीक हूं, बस एक बार मेरी बेटी आ जावे तुम दोनों चले जाएंगे और साथ में मारे कुंवर साह के सारे सपने सारी खुशियां भी ले जाएंगे। अब हमारा कोई सपना नहीं है, सब चूर हो गए। अब तो बस हम उन सपनों के टुकड़े साथ लेकर जाएंगे, टुकड़ों की चुभनी मेरी बेटी की जिंदगी है। जल्दी करो ना भाभी सा, वरना आपके साथ साथ मारे को भी देश निकाला दे देंगे। आपका तो पियर का घर है, पर मैं कट्ठे जाऊंगी। अब मारे को ऐसा देखकर कमजोर ना बनाओ भाभी सा, अपनी गठरी पोटरी उठाओ और इस हवेली से चलती बनो। हाँ इमली, घर की मालकिन से इस तरह बात करते थारी जबान न जल गई? क्यों सोच कर इस तरह बात कर रही थी तू? इस घर के बड़े चाहे जो कहें, थारे को छोटे मुंह बड़े बात करने की जरूरत ना है। इस घर से निकाले जाने पर भी ये कुंवर साह की बीनड़ी कहलाएंगी और थारे को घर की नौकरानी कहा जाए। इसलिए इस गुमान में मत रहना कि मालकों की तरफ से बात करने पर थारे को कोई इनाम मिलेगा। मारे बापू की बेइज्जती की वजह से हमारे कंधे पहले ही झुक गए, हमारे बाप समान आप हमारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तो ये बोझ हमारे से सहन ना होगा। भारी मर लेकर जा रहे हो पर अपनी आत्मा पर बोझ ना ले जा पाऊंगी। वो तो अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर वहां पहुंच गई, वरना उस छोरी ने तो मासा को फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। देखा जीजी, रस्सी जड़ गई और बढ़ नहीं गया, किसी न किसी तरह इस हवेली में अपने आप को जमाए रखने की मंशा है इन बाप बेटे की। वो सपना तो कभी पूरा ना हो पावेगा। मैं खुद इमली से कहकर आई हूँ कि उस मनहूस छोरी को 10 मिनट में तैयार करके इस हवेली से बाहर निकाल दे। इतना ही नहीं, मैं इमली से ये भी कहकर आई जाते जाते उसकी गठरी पोटली ठीक से देख लेना, कहीं इसमें हंसने वाली कौन सी बात कही मैंने। अरे जीजी, वो छोरी हवेली से मिले हुए गहने और कपड़े अपने ऊपर लाद कर ले जा रही है तो फिर गठड़ी में छुपाने की क्या जरूरत है? मदन सिंह की तो बेइज्जती होने के बाद पांचों उंगलियां की में उसकी जमीन उसे वैसे ही मिल गई और हवेली से जो गहने और कपड़े मिले सो अलग, समझी जीजी? लेट्स गो।
सारा नाटक। अब तो इस हवेली की बिंदनी ना है जो सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेगी। इमली, इसे हवेली से बाहर निकाल और दरवाजे बंद कर देना। रुक, ऐसे कैसे जा सकती है? ये गहने और शादी का छुरा इस घर की बिंदनी का है, इस हवेली की धरोहर। ये सब कुछ यहां उतार कर जा, इन पर धारा कोई हक ना है। वाह, कितना अच्छा तरीका है थारा और थारे बाप का ब्याह के नाम पर लूट मचाने का। के करे पैसा? खबरदार जो मारे को ताईसा कहा है तो। इमली, जा जाकर अपने फटे पुराने कपड़े लेकर आ। वो कपड़े लाना जो तू पहनना भी पसंद ना करती हो, और मार दे इसके मुंह पे। रानी बनकर राज करना चाहती थी। अरे इसे भी तो पता चले कि इस हवेली में इसकी नौकरानी बनने तक की हैसियत नहीं है। अब खड़े खड़े मारा मुंह काहे देख रही है? जा। अपने हाथों से अपनी भाभीसा का श्रृंगार किया था, अब इन्हीं हाथों से सब कुछ उतारूंगी। चार चूड़ियां छोड़ दे इसके हाथ, ताकि लोगों की नजर में एक सुहागन बनी रहे और हकीकत में एक विधवा की जिंदगी जिए। ठाकुरानी साहब,